जबलपुर बंद किस लिए करवाया गया है? आज जो कांग्रेस की कूटनीति जो करा जा रहा है उसके विरोध में आज हम लोग ने युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का द्वारा बंद आह्वान का पूरे मध्य प्रदेश में रखा है। और आपके द्वारा क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हम लोग पूरी सारे सड़कों में जा जाकर दुकानें बंद करवाने का आह्वान कर रहे हैं। आप दुकानें बंद कराने का निवेदन कर रहे हैं कि दुकानें बंद करें? नहीं, निवेदन कर रहे हैं कि दुकानें बंद रखें। हेलो, नाम बता दें। अमित सैनी। आज शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान में जबलपुर सब बंद रहेगा। हम पूरी युवा मोर्चा इधर मिलके हम पूरा बंद कराएंगे जब। नाम बता दें। नाम प्रशांत दुबे, काला मंडल महावीर। आप लोगों ने कहाँ कहाँ दौरा किया? सुबह जबलपुर शहर के अंदर हमने लोगों से आग्रह किया, हमारा 2 बजे तक जबलपुर बंद है, उसको आप शहर का पूरा बंद करें। किसानों की हक की लड़ाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान है। ओला पीड़ित किसान जिनके यहाँ ओले गिर गए थे, बहुत उनकी फसलें प्रभावित हुई हैं, उसको लेकर केंद्र की सरकार से हमारा पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा था, लेकिन जो है भेदभावपूर्ण रवैया जो कि मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस कर रही है उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आज जबलपुर बंद है, पूरा जबलपुर बंद करके लोगों ने दिखा दिया है कि जो है मध्य प्रदेश की सरकार के साथ पूरी जनमानस है। आप यह बताएं, आज मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश बंद का आह्वान हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पास पर बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज प्रदेश बंद में समर्थन देंगे और सबसे समर्थन लेंगे। किसानों को मुआवजा नहीं मिलना और उनकी ओलावृष्टि में जो किसानों के साथ जो क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति के लिए आज पूरा प्रदेश किसानों के साथ है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसमें जो कुछ हो सकता है वो सारी चीज़ें करेंगे। और आज प्रदेश बंद का आह्वान हुआ, 2 बजे तक हमारा अखिलेश तिवारी युवा मोर्चा।